सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री सर जी चैनल को और पास वाले बेल आइकन को दबा दीजिए केमिस्ट्री के हर एक वीडियो देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रेट कांस्टेंट के फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड हाफ लाइफ पीरियड। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रेट कांस्टेंट के फॉर द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो लास्ट वीडियो एक बार जरूर देख लेना। अगर आपका जीरो ऑर्डर क्लियर है तो फर्स्ट ऑर्डर आप लोग इजीली समझ सकोगे, क्योंकि जो मेथड है वो सेम ही मेथड आपको फॉलो करना है। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रेट कांस्टेंट के फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कैसे निकालते हैं। तो पहले तो कोई भी एक रिएक्शन गैस कर लो कि सपोज रिएक्टेंट आर गिव्स प्रोडक्ट पी, के रिएक्टेंट अल्फाबेट आपने ले लिया आर और वो प्रोडक्ट आपको देता है पी। तो यहां पे फर्स्ट ऑफ आप लोग ले लो कि आर गिव्स टू पी। अभी हमें क्या करना है कि ये जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यानी ये रिएक्शन का जो रेट होगा वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रेट है। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा ही है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी अपना रिएक्टेंट आर, उसका एक्सपोनेंट होगा वन, क्योंकि यहां पे है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लास्ट जो अपना था वो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, इसलिए आर रेस्ट हमने कितना रखा था, जीरो रखा था। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ एक्सपोनेंट वन, विच इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये उसका डेफिनेशन हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, तो जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उसके ऊपर वन एक्सपोनेंट होगा तो उसे कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी आगे क्या करना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के लिए हमें डिफरेंशियल वाले मेथड में लिखना है, यानी क्या होगा, माइनस डी आर अपॉन डीटी, जो हमने आगे भी पढ़ाई है, इक्वल्स टू यहां प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट के इंटू क्या होगा आर, वेर के इक्वल्स टू क्या होगा अपना रेट कांस्टेंट, जो हमें पता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो आर वाले टर्म है उसको एक साइड लिख दो, यानी माइनस डी आर, ये आर नीचे आ जाएगा, यानी डिवाइड आर इक्वल्स टू के इंटू डीटी, डीटी सामने ले लिया, माइनस माइनस को भी सामने ले जाओ, तो एक इक्वेशन आपको मिला। अभी क्या करना है, तो जैसे हमने जीरो ऑर्डर में किया था, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो लिख सकते हैं नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ एबो इक्वेशन, कि ऊपर वाले इक्वेशन का आपको क्या लेना है, इंटीग्रेशन। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस के कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख लो माइनस के इंटीग्रेशन वन इंटू डी टी। अभी इंटीग्रेशन इसका कितना होगा, तो इसको आप लोग वन अपॉन आर के फॉर्म में सोच सकते हो। तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, तो यहां पे इसका इंटीग्रेशन हम लोग लॉग यहां पे एल एन एक्स होगा, तो यहां पे इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या लेंगे, एल एन एक्स, फिर ये एक्स, तो यहां पे क्या लेना, एल एन आर। अगर वन अपॉन एक्स है तो हम लिख सकते हैं एल एन एक्स, बट अपने पास क्या है, वन अपॉन आर, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, एल एन आर इक्वल्स टू माइनस के, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी प्लस सी, और सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर वन। अभी हमें क्या करना है, ये सी का वैल्यू निकालना है, और सी का वैल्यू हमें किस मेथड से मिलेगा, तो यहां पे टाइम लेना है आपको जीरो, एट टी इक्वल्स टू जीरो,
तो जो रिएक्टेंट आर है उनकी कंसंट्रेशन, ये इक्वेशन में टाइम ले लो जीरो, तो जो कंसंट्रेशन आर है वो क्या होगा आपका आर जीरो इनिशियली कंसंट्रेशन। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में सब्सिट्यूट करो तो एल एन आर जीरो इक्वल्स टू माइनस के इंटू जीरो प्लस सी, यानी सी का वैल्यू कितना मिलेगा सी इक्वल्स टू एल एन आर जीरो, सी इक्वल्स टू कितना मिलेगा एल एन आर जीरो। अभी ये जो एल एन आर जीरो वैल्यू है सी की वो इक्वेशन नंबर वन में सब्सिट्यूट करो तो लिख सकते हैं नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन के अंदर सी का जो वैल्यू मिला वो सी का वैल्यू आप लोग लिख लो। तो यहां पे आपको न्यू एक इक्वेशन मिलेगा एल एन आर, लिख सकते हैं हम एल एन आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी का वैल्यू क्या मिला आपको एल एन आर जीरो, यानी एल एन आर जीरो। अभी मुझे एल एन निकाल के लॉग लिखना है तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303, एल एन की जगह पे लिखना है लॉग तो 2.303 और एल एन बन जाएगा लॉग, तो 2.303 लॉग आर इक्वल्स टू बनेगा माइनस के टी प्लस, यहां पे भी सेम ही होगा लॉग आर जीरो। अभी हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है तो यहां पे ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग का एक इक्वेशन है वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो उसके साथ इसको कंपैरिजन करेंगे। बट कंपैरिजन करने से पहले यहां पे भी 2.303 है, यहां पे भी है, तो पूरे इक्वेशन को दोनों साइड डिवाइड कर लो, यानी यहां पे आ जाएगा 2.303 और यहां पे भी हो जाएगा 2.303। बस ये कट कट, बाकी क्या बचा लॉग आर इक्वल्स टू माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी प्लस, यहां पे बाकी क्या बचा लॉग आर जीरो। अभी हम लोग क्या करने वाले, तो स्लोप इक्वेशन वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, उनके साथ में कंपेरिजन। तो हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो ग्राफ अपना कैसा बनेगा, वाई एक्स पे आपको क्या लेना है लॉग आर, तो यहां पे लिख लो लॉग आर, ये अपना है वाई, एक्स के ऊपर क्या दिखाना है टाइम टी, तो यहां पे ले लो टी। अपना जो स्लोप है वो नेगेटिव मिल रहा है, यानी जो आपका ग्राफ होगा तो डाउन आएगा, इसे स्लोप नेगेटिव है इसलिए। और स्लोप के वैल्यू कितनी है अपने पास एम, एम यानी क्या होगा स्लोप, तो स्लोप का वैल्यू आपके पास मिल रहा है एम इक्वल्स टू माइनस के अपॉन 2.303। और जो सी, सी का वैल्यू कितना है आपके पास लॉग आर जीरो, जिसे कहते हैं इंटरसेप्ट, तो यहां पे होगा अपना इंटरसेप्ट लॉग आर जीरो। तो ये हो गया अपना ग्राफ, ग्राफ भी बना दिया पूरा। अभी हमें के का वैल्यू निकालना है, रेट कांस्टेंट के का फॉर्मूला चाहिए लास्ट, तो बस यही फॉर्मूला आपको दोबारा यूज करना है। तो आगे सॉल्व करते कि यहां पे माइनस के टी वाला टर्म है उसको लेफ्ट साइड ले लो, यानी प्लस हो जाएगा के टी अपॉन 2.303 इक्वल्स टू, इसको सामने ले जाओ यानी माइनस बनेगा, इसको पहले लिख लेते हैं लॉग आर जीरो माइनस, ये वाला सामने आ गया तो क्या बनेगा लॉग आर। अभी क्या करेंगे, हमें के का वैल्यू चाहिए तो के टी अपॉन 2.303, ये दोनों लॉग है, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई के फॉर्म में सोच सकते हैं, यानी दोनों लॉग है बीच में माइनस है, तो क्या होगा लॉग आर जीरो अपॉन आर, ऐसे लिख सकते हैं। टी और 2.303 सामने ले जाओ तो के का लास्ट फॉर्मूला मिलेगा 2.303 अपॉन टी लॉग आर जीरो अपॉन आर,
ये हो गया अपना लास्ट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हो गया अपना रेट कांस्टेंट के फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर यही फॉर्मूला लिखना है तो यहाँ पे आर जीरो आपका पूरे एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग सेम ही रहेगा इनिशियली कंसंट्रेशन, और अगर आप लोग यहाँ पे 5 मिनट के बाद लिखते हो तो यहाँ पे अपना आर फाइव होगा, बट यहाँ पे मैंने टी लिखा है तो कॉमन मुझे लिखना है तो आर टी भी लिख सकते हैं, जो भी टाइम होगा वो टाइम आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन वाला होगा। तो ये हो गया अपना एक फर्स्ट फॉर्मूला। अभी सेकेंड हमें डिराइव करना है इसका एक और फॉर्मूला जो है हाफ लाइफ पीरियड टी आर। तो जीरो ऑर्डर में भी मैंने बताया था कि हाफ लाइफ पीरियड यानी क्या होगा, हाफ लाइफ पीरियड यानी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी वो हाफ करनी है, इनिशियली कंसंट्रेशन से हाफ करनी है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग हाफ लाइफ पीरियड। तो ये ऊपर वाले फॉर्मूला में टाइम टी इक्वल्स टू आपको लेना है टी आर, एंड जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आर टी है वो बनानी है आपको हाफ, यानी इनिशियली है आपके पास आर जीरो तो उसको हाफ करनी है। तो मानो कोई एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास इनिशियली कंसंट्रेशन 2 मोलर है तो उसको हाफ करना यानी क्या करना 1 मोलर करना। तो ये हो गया अपना हाफ लाइफ टाइम पीरियड। तो ये दोनों वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में सब्सिट्यूट करो तो कौन सा इक्वेशन मिलेगा ध्यान से देखना, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी 1/2, टाइम कितना ले लिया टी 1/2 हाफ लाइफ टाइम लॉग आर जीरो अपना ही अपॉन आर जीरो बाय टू, आर जीरो सेम कट 2 आ जाएगा ऊपर, यानी क्या होगा के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी 1/2 लॉग 2, और लॉग 2 कितना होता है वो हमें पता है, और टी एफ को डायरेक्टली सब्जेक्ट बना दो क्योंकि हमें टी एफ का फॉर्मूला चाहिए, तो टी एफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के, और लॉग 2 होगा अपना 0.3010, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे नीचे लिख रहा हूं कि टी एफ इक्वल्स टू 2.303 और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.693 अपॉन के। तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उनके लिए हाफ लाइफ टाइम कितना होगा 0.693 अपॉन के टी एफ इक्वल्स टू। तो यहां पे एक और पॉइंट भी लिख सकते हैं कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम इज टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से टोटली इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर आधारित नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको आर जीरो नहीं मिलता है। और एक चीज लिख सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, यानी क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। तो ये हो गया स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का फॉर्मूला और हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।